हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल द ट्रिप ऑफ माय लाइफ। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद से गणपतपुरा, जो यहाँ गुजरात में है, उसे गणेशपुरा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको इसके जैसे और भी वीडियो देखने को मिल जाए। अभी हम फ्रेंड्स गणेशपुरा के लिए अहमदाबाद से जा रहे हैं। अहमदाबाद से 75 किलोमीटर्स होता है। बीच में ये जो सारे गाँव आते हैं उनमें से ये पहला गांव है बावला। मेन हाईवे पे बहुत सारी ट्रैफिक रहती है तो हम बीच के रास्ते से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सुबह में सूर्य की गर्मी के साथ साथ इतनी मीठी गर्मी बोल लग रही है, क्योंकि सूर्य किरण के साथ में हम जा रहे हैं सुबह के 7:30 बजे। अभी यहाँ से आप देख लीजिए, बता रहे हैं बोर्ड पर कि कितना हमारा किलोमीटर बाकी है। गणेशपुरा के लिए यहाँ से हमें अंडर ब्रिज में पास होना है। फ्रेंड्स, ये आप महसूस कर सकते, इतना बढ़िया है, आराम से हमारी गाड़ी हम चला रहे हैं, मेरे भैया गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से बढ़िया से अलग ही लग रहा है। सीधा ये पॉइंट आगे जाके निकलेगा। बारिश की वजह से यहाँ पे कभी कभार ये रास्ता बंद हो जाता है, और सीधे यहाँ से जो भी कुछ लोग यहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान को दर्शन के लिए आते हैं, तो वो जो पैदल चल के आते हैं, तो यहाँ पे कभी कभार दिक्कत होती है, लेकिन सगवट भी बहुत अच्छे से व्यवस्था जो बोलते हैं वो मिल जाती है, तो अच्छे से सब लोग निकल आते हैं और भगवान गणपति के दर्शन के लिए आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये गणेशपुरा जो है भगवान गणपति की मंदिर है। गुजरात में ये गणेशपुरा में गणपति जी का मंदिर जो है वो सुप्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने संकट चतुर्थी के दिन जो बाधा वगैरह करते हैं, पूजा प्रार्थना करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और एक विश्वास के साथ भगवान से मिलने के लिए आ जाते हैं। सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है, हमें भी वहाँ पर पहुँचना है। काफ़ी सारे आप देख लीजिए, पैदल भी लोग अभी आ रहे हैं। ये गणपति मंदिर के लिए जाने का रास्ता गुजराती में लिखा है, और ये है पिलूड़ी। गांव में ये बहुत कम दिखाई देती है फ्रेंड्स अभी, क्योंकि पहले बहुत सारे इस तरीके की पिलूड़ी बोलते हैं, बहुत ही स्वीट और एकदम से रसीला फल रहता है फ्रेंड्स। और ये है गुंदी, ऑरेंज कलर की गुंदी फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही मीठी और खटमीठी रहती है। ऐसे हमें कभी कभार ही मिल जाते गाँव में, कुछ कुछ ही गाँव में अभी मिलता है देखने को, मुझे देखने को यहाँ पर मिल गया। मैं बहुत ही खुशकस्मत हूँ आज तो फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से ऐसा लगा कि यहाँ से तोड़ के खाने को मन कर रहा है, लेकिन हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, देखते हैं एकदम रसीले। और फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवान के जो वागा बोलते हैं, पैरवेश मिलते हैं, वो सब मिल जाते हैं आसपास के गांव से। यहाँ से सुबह में आते ही जो ये दुकानों को खोल देते हैं अभी, लेकिन सुबह के जल्दी के टाइम पे हम हैं तो कुछ दुकानें खुली है और कुछ दुकानें नहीं खुली है। हम धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीदनी है तो यहाँ से हम खरीद सकते हैं। हर मंदिर पर हमें इस तरीके से मिल ही जाती है दुकानें, क्योंकि प्रसादी की रहती है, कुछ खिलौने की रहती है, कुछ भी मतलब हमें ख़रीदना है तो हम हर मंदिर में हमें ऐसे इस तरीके से स्टॉल्स होते हैं, दुकान होती है, तो हमें मिल जाता है। वैसे यहाँ पे देखिए, लाइव वेफर्स भी मिल जाती है, आलू की जो लाइव, केले की जो लाइव वेफर मिल खानी है तो यहाँ पे मिल सकते हैं, बहुत ही फेवरेट है और रहती है सबकी। और ये पार्किंग एरिया है, और साथ में यहाँ पे हमें भगवान गणपति के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कुछ प्रसादी लेनी है, वो सब हमें यहाँ से भी मिल जाता है। मंदिर के अंदर भी शायद है होगा ऐसा ही कुछ, हम देख लेते हैं। और ये मेन गेट है, आप यहाँ पे अपना पार्किंग करके मेन गेट से यहाँ से जाना है हमें, ये देखिए। और ये प्रसाद भंडार, मैंने बोला फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवान गणपति को चढ़ाने के लिए चूरमा लाड़ू, बूंदी के लाड़ू, श्रीफल भी मिल सकते हैं, पानी का भी है यहाँ पे। ओ, यहाँ पे हमें शॉर्ट कपड़े वगैरह पहन के नहीं जाना है। ये सामने है गणपति भगवान जी का मंदिर, ये देखिए यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है श्री गणपति जी, ओम श्री गणेशाय नमः। ये अच्छे से बताया है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे जेंट्स के लिए अलग लाइन है और लेडीज़ के लिए अलग लाइन है। और अगर गर्मी के समय में या किसी भी समय, देखिए ऊपर पंखे सब व्यवस्था की हुई है, तो अच्छे से हम मंदिर के लाइन में जाके भगवान गणपति के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम सुबह सुबह के टाइम में आए ना फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, हमें आराम से दर्शन कर लेंगे। ये देखिए, सामने दिखाई दे रहा है भगवान गणपति का मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित है। हमें धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, दर्शन कर लेते हैं। वैसे ऊपर लिखा है कि यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करना चाहिए, ये गुजरात में ये मंदिर है फ्रेंड्स, इसलिए सारी बातें जो है वो गुजराती में ही लिखी है। ये देखिए, ऊपर लिख दिया है यहाँ पे कि आप यहाँ से वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर रही हूँ, देखते अगर हमें रोक टोक करते हैं तो हम बंद कर लेंगी। लेकिन अभी मैं दर्शन करते हुए, मेरे भैया आगे दर्शन कर रहे हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, ये पीछे का साइड है, ये गणपति के मंदिर के साइड हर जगह पे ऐसे रहता है। यहाँ पे देखिए, ये सरिता रास्ता, इतने अच्छे लाल पत्थरों में ये नक्शी काम करके पूरी मंदिर की बनाया हुआ है, देखिए। यहीं से हमें आगे चलते, देखते क्या है, किस तरीके से है। ये पुजारी जी मुस्कुरा रहे थे। ओहो, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। आप कभी भी गणेश चतुर्थी के दिन आएंगे तो भी खाने को मिलता है। तो ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी सजावट अच्छे से है। ओहो, लगता है यहाँ पे
गर्मी की वजह से सुबह में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती होगी तो ये मंडप भी बांधा हुआ है यहाँ से, और हमें वहाँ इस तरफ से जाते हैं, ये हमें राइट साइड पे है। अच्छा यही है, यही रास्ता, पूरा मंदिर एकदम से लाल पत्थरों में बनाया हुआ है फ्रेंड्स, और ये साइड का राइट साइड का दरवाज़ा है, मेन गेट से पीछे से होते हुए यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप रुकना चाहते हैं तो ये भी व्यवस्था की हुई, यहाँ पे रूम अवेलेबल है, आप रुक सकते हैं यहाँ पे, कोई पैदल चल के आता है रुकना चाहते हैं तो वो भी रुक सकते हैं। ये देखिए, और एक बात बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय भी मिल जाती है, जब तक मंदिर खुला रहता है यहाँ आप जितनी चाहे उतनी चाय पी सकते हैं। बस एक शर्त यहाँ पे ये है, शर्त तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने जिस पीस में चाय पी है वो आप खुद को धोनी है, खुद ही धो के उसे आपको यहाँ पे रखना है। ये देखिए, मैंने, मेरे भतीजे लोग, मेरे बेटे ने यहाँ पे चाय पिया, इतनी बढ़िया चाय है फ्रेंड्स, सही में बहुत ही बढ़िया है। ये आप आके यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं कि भगवान के मंदिर में जाके हमें चाय भी मिल गई, यानी यहाँ पे रुकना है, रहना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है वो सब आपको यहाँ से मिल सकता है। यही मंदिर में बहुत ही बहुत अच्छी मुझे तो व्यवस्था लगी, बहुत ही बढ़िया है, भगवान गणपति का हम दर्शन भी कर सकते हैं और भक्ति के साथ साथ में हम अपने आप को भी फ्रेश भी कर सकते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं रहता। श्री गणेशाय नमः फ्रेंड्स।